अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैरियत से हैं। और सुनाएं, कैसा हो चल रहा है आजकल? घरों में बच्चे घरों में हैं, स्कूलों से छुट्टियां हो गई हैं, और अल्लाह ताला इस वबा को हमारे मुल्क से दूर कर दे। मौला करीम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घबराएं नहीं। इंशाअल्लाह ताला हमें डरना नहीं, लड़ना है इस बीमारी से। और अगर हम ख्याल रखेंगे, ज़्यादा रश में ना जाएं, अपने घरों में ज़्यादा गैदरिंग ना करें, और अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई मसला हो भी जाता है तो उसका भी आप स्टीम लें और मेडिसिन यूज़ करें जो इसके लिए बताई जाती हैं, ये कैल्शियम की गोलियाँ वगैरह, और भाप लें और यखनी वगैरह पिएं, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों को भी बचाएँ और ख़ुद भी बचें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाता है। कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप घबराएं नहीं। तो शुरू करते हैं, आज हम बना रहे हैं रेड चिली तो सॉस। तो इसके लिए ये मैंने 100 ग्राम सूख मिर्च हैं, इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था आधा घंटा पहले, ठीक है। तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे अपने जग में। ये डाल देंगे और तकरीबन ये जो पानी है एक कप के बराबर होगा, ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। मिर्चें मैंने धो ली थी तो ये पानी भी हम इसी में शामिल कर देंगे। ये इसमें शामिल कर देंगे। इसमें शामिल करेंगे हम 2 चम्मच हमने चीनी के लिए हैं, 1-2 चम्मच ये डालेंगे। 3 चम्मच के बराबर हमारे पास केचप है, घर में भी तैयार कर सकते हैं। आजकल टमाटर माशाल्लाह बहुत अच्छे आए हुए हैं और सस्ते भी हैं। 1 चम्मच है ये अदरक का पाउडर, और 4 मैंने ये लहसुन के जावे हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसमें हम डालेंगे सिरका, ये इसमें हम सिरका डाल देंगे, और इसको हम ग्राइंड करेंगे। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, इसको हम छान लेंगे क्योंकि हमें बीज नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। बीज जो है वो हम इसके निकाल देंगे सारे। जब तक लोगे अच्छा जी, ये सारा मैंने इसका ये इसको दबा दबा के इसका सारा ये निकाल लिया जूस। अच्छा जी, अब इसको हम डाल देंगे इसमें कढ़ाई में, 2 मिनट इसको पकाएंगे, थोड़ा सा ये ठीक हो जाए, और फिर आप इसको किसी भी अपनी प्यारी सी बोतल में डाल के रख दें। बहुत मज़े की, आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो फिर ये बहुत काम आएगी इंशाल्लाह ताला। तो बहुत ही मज़े की बनती है, झटपट बन जाती है घर की बनी हुई चीज़। आपको ये भी पता है कि हमने घर में बनाई है, इसमें कुछ ऐसी वैसी चीज़ शामिल नहीं है, और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और जायका भी इसका बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। कलर है ये मेरे पास, ये मैं थोड़ा सा इसमें शामिल कर दूंगी, और 1 चम्मच है हमारे पास नमक, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए, जैसे कि बाजारी होती है चिली सॉस, उसका भी कलर रेड होता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा। तो इसमें मैंने कलर डाल दिया है ताकि इसका भी कलर अच्छा सा रेड कलर आ जाए। बिस्मिल्लाह, देखें जी थिकनेस इसकी। अच्छा, इसमें मैंने टेस्ट किया है तो इसमें मैंने 3 चम्मच और भर के डाल दिया था केचप, क्योंकि काफ़ी तेज़ मिर्चें हैं, तो 3 चम्मच मैंने मज़ीद इसमें केचप डाला है, हो गया 6 चम्मच। 3 चम्मच मैंने केचप पहले इसमें शामिल किया था,
और 2 चम्मच मैंने चीनी के डाले थे, तो 1 चम्मच मैंने चीनी का इसमें और शामिल किया है। अब ये बहुत ज़बरदस्त, मिर्चें काफ़ी तेज़ थी इसलिए मैंने और इसमें डाला। वो थिकनेस आप देख लें, माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त है। ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो साथ लगा बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपका प्यार मोहब्बत हमें चाहिए होता है, तो ज़रूर जनाब इसको सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को भी, और शेयर कीजिएगा औरों के साथ भी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।